अभी अभी सिवान में आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति को पीट पीट कर खत्म कर डाला, साथ ही उनकी पत्नी दो बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में अगर फिर असामाजिक तत्वों ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला है। पूरी घटना जो है सिवान जिले की मिसनगर थाना क्षेत्र के मंदरौली गांव में घटी हुई है, जहां मंदरौली गांव में आपसी विवाद को लेकर देर रात 11 बजे करीब में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि जमकर ईंट डंडा चलने लगा, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस व्यक्ति की मौत हुई उसकी पहचान विजय कुमार राम के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विजय कुमार राम को काफी गंभीर चोट लगी थी, जिसको हसनपुरा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह इस घटना में विजय कुमार राम की जो पत्नी है मीना देवी, वो भी गंभीर रूप से घायल है। उनके जो लड़की है करिश्मा और अनु, दो यानी लड़की जो है काफी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज भी एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लगातार इस तरह आपसी बात को लेकर मारपीट होते रहता है, आपसी बात को लेकर जिस तरह हत्याएं हो रही है, सामाजिक तत्वों में पुलिस का डर लगातार मिटता जा रहा है। इस तरह सिवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के मंदरौली गांव में घटना घटी हुई है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला है। इस पर चाहिए कि पुलिस प्रशासन को असामाजिक तत्व जो भी इस घटना में शामिल हो उन्हें त्वरित गिरफ्तार करना चाहिए। पूरी जो घटना है देर रात 11 बजे घटी हुई है, जहां आपसी बात को लेकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि सबसे पहले गाली गलौज शुरू हुआ, गाली गलौज के बाद दोनों तरफ से ईंट डंडा चलने लगा, जहां एक तरफ के विजय कुमार राम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पीट पीट कर विजय कुमार राम को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं जिनकी पत्नी है मीना देवी, उनको भी गंभीर चोट लगी है। उनकी जो लड़की है करिश्मा और अनु, उनको भी काफी गंभीर चोट लगी है। स्थानीय लोगों से सभी को सिवान सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रथम उपचार कर निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। पूरी घटना बताया जा रहा है कि संपूर्ण थाना क्षेत्र के मंदरौली गांव में घटना घटी हुई है, जहां देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में इतना बात बढ़ा कि एक व्यक्ति को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस घटना में जिन व्यक्ति की मौत हुई उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, उनकी दो बेटी है वो भी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल सभी का इलाज निजी एक अस्पताल में चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एमएस नगर के थाना प्रभारी पंकज कुमार ठाकुर घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुआ है। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार सिवान के सदर अस्पताल में जो पीड़ित परिवार है जुटा हुआ है, साथ ही जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके पास देखने वाले लोग की जो भीड़ है उमड़ी हुई है।